जय हिंद दोस्तों। मैंने दोस्तों पार्ट वन वीडियो में आपको पूरा दोस्तों बताया था इसका फिजिकल के साथ मेरा क्या क्या हुआ था, माय एक्सपीरियंस दोस्तों मैंने अपना शेयर किया था। आज आपको डॉक्यूमेंट का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूं कि जब हम लोग पार्ट टू में फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद जब हम लोग गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में हम लोग के साथ वहाँ क्या क्या हुआ था, आज मैं उसका दोस्तों पूरा आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारा एडमिट कार्ड निकला, किसका? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का। दोस्तों ये आपका एक ही साथ करा दिया जाता है, तो इसमें आप ये मत सोचिए कि आपका अलग अलग होता है, तो सेम दोस्तों आपका होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुबह हो जाता है, शाम तक ये लोग आपका मेडिकल करा देते हैं। और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बच्चों को निकाला जाता है, मतलब आपका एक मिस्टेक आपका मतलब करियर खराब कर सकता है, मैं अगर आपको बताऊँ तो। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा है, जो भी दोस्तों आप सर्टिफिकेट बनाते हो एससी एसटी ओबीसी वालों का कुछ ज़्यादा ही वहाँ रोल रहता है, तो मैं आपको बता दूँ उन लोगों को सेंट्रल फॉर्मेट में ही बना के ले जाना है, नहीं तो दोस्तों आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये आपका तहसील ऑफिस में बन जाएगा, तो आपको उतना कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तहसील ऑफिस में आप सेंट्रल लेवल का एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना सकते हो। जो दोस्तों नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं उनका रेजिडेंस सर्टिफिकेट ही दोस्तों आपका नक्सल एरिया का प्रूफ होता है कि अगर आप नक्सल से बिलोंग करते हो। तो आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब जरूरी है, लेकिन दोस्तों आपका नक्सल एरिया का रेजिडेंस सर्टिफिकेट ये बहुत जरूरी है, पीआरसी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। जब दोस्तों हम मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वहां पे, तो मेरा तो डॉक्यूमेंट हाल ही सब ठीक था, पापा मम्मी का नाम भी कोई सही था पूरा। मैंने दोस्तों फॉर्म भरने के टाइम पे पूरा दोस्तों मैं खुद वहां बैठ के फॉर्म भराया था, तो मेरा में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक लड़का था दोस्तों, माझी कुछ उनका टाइटल था, तो वो लड़का क्या हुआ था कि मम्मी का नाम गलत था, मतलब उनका ये में प्रियंका क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रिया कुछ लिखा हुआ है, इस टाइप का कुछ अलग अलग उसके मम्मी का नाम था, और जो कि दोस्तों उसे भी वहां पे निकाल दिया गया था इसी नाम के चक्कर में। तो दोस्तों एक नाम के चक्कर में मेरे आपके सामने बहुत बच्चों का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया गया, नाम के चक्कर में। रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है, एक होता है टेम्पोररी रेजिडेंस सर्टिफिकेट, एक होता है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। टेम्पोररी रेजिडेंस सर्टिफिकेट वालों को साइड कर दिया गया था और परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट वालों को साइड कर दिया गया। तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट में बहुत लड़के कट रहे थे, मतलब उन्होंने डाल दिया है अलग स्टेट से और रहते हैं वो लोग अलग स्टेट के, तो वहाँ पे भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बच्चों को काटा गया मेरे आँख के सामने। रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको पुराना होगा भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो साल के अंदर भी जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो भी आपका एक्सेप्टेड है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आपका कहाँ बन जाएगा? तहसील ऑफिस में आप आराम से रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना सकते हो। मैंने बनाया है तो आप भी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला उसके लिए। तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट का उतना टेंशन मत लो, आप आराम से अपने तहसील ऑफिस से बना सकते हो। जनरल कैटेगरी वालों को मैं बोलूँगा, जो डॉक्यूमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हायर एजुकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन दिया है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे भी भगाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपने दिया है हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन, तो आपको सर्टिफिकेट लेके वहाँ पे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे। और जिन लोगों ने मैट्रिक और प्लस टू दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस टू भी आपको लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा, वो कुछ नहीं, आपका जस्ट देखते हैं वो लोग, एक सर और एक मैम बैठे होते हैं, वो वहाँ पे वेरीफाई करते हैं और फटाफट देखते हैं। मेरा वेरीफिकेशन मैम ने किया था, तो मेरे टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था, आराम से उन्होंने वेरीफाई करने के बाद मेरे डॉक्यूमेंट दे दिया था। लेकिन मेरे सामने बहुत बच्चों का नाम के लिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट कट रहा था, वो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए कट रहा था, और आपका जातीय प्रमाण पत्र जो होता है, जो एसी सर्टिफिकेट है, उसके लिए बहुत बच्चों को काटा जा रहा था। तो मेरा जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होने के बाद हम लोग वहाँ से आए, और हम लोग कुछ ठीक एक बजे भी नहीं, 12 बजे से आए, 12 बजे हम लोग को भेज दिया गया मेडिकल के लिए। मेडिकल में दोस्तों ऐसे लाइन से बच्चे खड़े हुए थे, पूरा लाइन से, जैसे आपने आर्मी का मेडिकल देखा हो पूरा लाइन से, पहले हम लोग ऐसे हाथ देखा गया, सीधा किया गया, ऐसे हाथ सही है कि नहीं ये देखा गया, फिर दोस्तों हाथ देखने के बाद हम लोग का नौकनी देखा गया, फिर पैर देखा गया, फिर मुंडी देखा गया, फिर दोस्तों हम लोग कान वगैरह सब चेक किया गया यहाँ पे, फिर हम लोग दांत को देखा गया, फिर हम लोग का हार्ट हड्डी वगैरह देखा गया, फिर हम लोग का एक्सरे हुआ, एक्सरे होने के बाद दोस्तों फिर हम लोग का दांत देखा गया, कान देखा गया। नॉर्मली दोस्तों वहाँ पे चेकअप होता है, और चेकअप में दोस्तों एसएससी जीडी का चेकअप और आर्मी का चेकअप सेम नहीं है। आर्मी में थोड़ा टफ होता है दोस्तों, एसएससी जीडी में उतना हाई लेवल का आपका मेडिकल नहीं होता है जितना हाई लेवल का आप एक्सपेक्ट करते हो। तो नॉर्मल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि कितने लोगों को होता है बवासीर का प्रॉब्लम, तो आप पहले से उसका इलाज करवा के वहाँ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। दांत में अगर आपका दांत नहीं, तो आप दांत नया बैठवा के वहाँ जा सकते हो, उसका भी आपको कोई दिक्कत नहीं, वो भी दोस्तों हो जाए, क्योंकि मेरे आपके सामने बहुत ही बच्चों का हो रहा था। और दोस्तों बहुत ही बच्चों का दांत वगैरह सब कुछ फिट था। आंख में दोस्तों कलर विजन देखा जाता है, आंख का टेस्ट कराया जाता है, तो आप एक बार आंख का देख लीजिएगा। और दोस्तों आपका हाथ वगैरह सीधा है कि नहीं है, पीछे का आपका जो हड्डी है ये भी आपका चेक होता है, याद रखिएगा, पीछे का हड्डी वगैरह चेक किया जाता है, गला का दोस्तों चेक किया जाता है। टैटू वगैरह का मैं आपको बता दूँ, टैटू दोस्तों वहाँ पे मतलब मेरे आंख के सामने जितने भी लड़कों के शरीर पर टैटू था सबको मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, सबको।
मतलब आप हैरान हो जाओगे, पता नहीं टैटू वालों का, मतलब जिनका छोटा टैटू था उनको भी वो लोग हटा रहे थे। मैं जब गया था वहाँ मेडिकल के लिए, तो मेरे बैच में टैटू वालों का तो भाई पूरा सिट्टी पिट्टी गुल और पैंट खुला के हम लोग का पूरा ऐसे पकड़ के देखा जा रहा था। उसमें ये है कि नहीं खोल के, आपको मैं क्या बोलूँ, ऐसे पूरा खोल के ऐसे चेक किया जा रहा था उसमें। और बहुत ही फनी मोमेंट था वहाँ पे, मतलब सब ऐसा देख रहे थे एक दूसरे को, हम लोग ऐसे मुंडी नीचे करके ऐसे आ रहे थे। वहाँ पे जो सर थे वहाँ के, वो बहुत स्माइल कर रहे थे, वो हंस रहे थे, और हंस हंस के सबका मेडिकल हुआ वहाँ पे। और हम लोग ने पूरा बैच वहाँ पे थे मेडिकल के लिए, तो सबका खोल के चेक हो रहा था, पकड़ के देखा जा रहा था आपका एक छोटा है कि एक बड़ा है, मतलब दोनों समान होना चाहिए, आपको हाइड्रोसिल का वगैरह का प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मेडिकल में हम लोग वो सब वहाँ देखा जा रहा था, तो उतना कुछ वहाँ पे टफ नहीं था। वो आपको ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रेस है, लेकिन आप जब आप मेडिकल देने जाओगे तो आपकी तरह बहुत बच्चे वहाँ आए होते हैं मेडिकल के लिए, तो सबका शकल देख के मतलब खुशी लगता है। तो मुझे मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया गया था, मेरे को कहा गया था कि आपका जो पीठ का हड्डी है रीढ़ का, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने री मेडिकल लिया था फिर, तो री मेडिकल में मेरे को कोलकाता मैं फिर से फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, री मेडिकल में मुझे पूरा फिट दे दिया गया। और री मेडिकल फिट होने के बाद हम लोग का मेडिकल यहीं पर समाप्त होता है। तो ये मेडिकल समाप्त होने के बाद मुझे मेडिकल में अनफिट कर दिया गया था, और मेरे ना बहुत बच्चों को मेडिकल में अनफिट किया गया था। तो फिर मैंने री मेडिकल लिया, तो री मेडिकल में मैं फिट हो गया था। और उसके बाद हम लोग का क्या हुआ री मेडिकल होने के बाद, तो उसका तीन से चार महीना के बाद फाइनल मेरिट में आया था। और हाइट में बता दूं, जैसे कि आप बोलते हो फिजिकल में अगर हाइट में निकल जाओगे तो मेडिकल में नहीं दोस्तों, हाइट का आपका 3-4 बार चेकिंग होता है। हम लोग का मेडिकल के टाइम में भी हाइट लिया गया था हम लोग का, और हम लोगों ने हाइट दिया है। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपका हाइट कम है तो कहीं ना कहीं तो आपको रिजेक्ट कर ही देगा वो लोग, चाहे वो मेडिकल में करे या फिजिकल में, वो तो आप लोग के ऊपर है, और वो हो जाता है दोस्तों। और उस टाइम पे भी ऐसे हुआ था, री मेडिकल हुआ, री मेडिकल होने के बाद आपका रात को 12 बजे जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उन लोगों का एक मैसेज आता है टिंग 3-4 महीने के बाद कि फाइनली होपफुली आपका सिलेक्शन हो चुका है BSF में, होपफुली आपका सिलेक्शन हो चुका है असम राइफल में, होपफुली आपका सिलेक्शन हो चुका है तो जो भी फोर्सेस में आपका जितना नंबर के बेसिस पे है। और कुछ ऐसे अभागे लोग भी होते हैं जिन लोगों को मैसेज नहीं आता है कि आपके कोई भी सिलेक्शन कोई भी फोर्सेस में नहीं हुआ है, और मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, कुछ अभागे लोग होते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। मेरा कोई मैसेज नहीं आया था फिलहाल, और हम लोगों ने कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया था वहाँ पे, बट हम लोग का नाम नहीं आया वहाँ पे, ना ही कोई मैसेज आया ना ही कुछ आया। तो हम लोग फाइनल मेरिट में कट चुके थे फिलहाल कुछ नंबर से, लेकिन हम लोगों ने हर चीज़ क्वालिफाई किया साथ में, तो मैं फिजिकल भी क्वालिफाई किया, मेडिकल भी क्वालिफाई किया, सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद होपफुली लास्ट में दोस्तों मेरा नाम नहीं आया फाइनल मेरिट में, जबकि मैंने री मेडिकल करके मेडिकल भी मैं फिट हुआ था, बट होपफुली फाइनल में मेरिट में नाम नहीं आया क्योंकि मेरिट ज़्यादा गया था और मेरा नंबर कम था। तो फाइनल मेरिट के टाइम पे 7 नंबर की 8 नंबर बढ़ा दिया था उन लोगों ने, जो जितना फिजिकल के लिए बुलाया गया था, तो 8 नंबर उन्होंने बढ़ा दिया था, तो मेरा नाम नहीं आया था फिलहाल वहाँ पे। और बहुत ख़राब लगा, दिल्ली में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसके लिए, मुझे बुलाया गया था बट मैं नहीं गया। मैंने कहा कि उम्र है, हिम्मत नहीं हारते, रिट्राई करेंगे अपन, क्या दिक्कत आ रहा है। तो होपफुली मेरे साथ तो हुआ कि फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया, नहीं तो आपका भाई कोई ना कोई फोर्सेस में आज होता। तो कोई बात नहीं, रीट्राई आप लोग के साथ मैं फिर से दूंगा, देखते हैं क्या होता है। और हारनी मानी अभी ज़िंदगी में लगे पड़े हैं, बस दोस्तों कुछ ना कुछ ज़िंदगी का अपना भी मकसद है आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना, तो कभी ना कभी अपना भी सपना पूरा होगा। और आप लोग हैं वो ही, मेरी फिलहाल 34,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं यूट्यूब पे, तो थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब की पब्लिक। बस दोस्तों कहना ही इतना ही चाहता हूँ कि कष्ट पड़े कठिनाई आए पीछे पांव मत रखना, कांटों में गुलाब खिलते हैं कांटों से क्या डरना, समक्ष पर्वत हो सागर हो साहस कभी ना खोना, जितना तपता है उतना ही एक चमकता सोना, हार जो कभी नहीं मानता जीत उसी की होती। तो हम सबके अंदर एक इंडियन आर्मी छुपा हुआ है दोस्तों, जो हमें कभी जिंदगी में हार नहीं मानने देता। तो ट्राई करते रहो, क्योंकि दोस्तों बार बार वार करने से दोस्तों पत्थर भी दोस्तों टूट जाता है,
बार बार दोस्तों जब देखे हो रस्सी का रगड़ा से लोहे में भी दाग आ जाता है, तो बार बार अगर आप कोशिश करोगे तो आप कामयाब क्यों नहीं होगे। तो आपका भाई कोशिश कर रहा है, आपको भी कोशिश करना है, जिंदगी में हार नहीं मानना, बेस्ट ऑफ लक, लड़ते रहो आखिरी दम तक। मरो तो दोस्तों योद्धा की तरह मरो, कायर की मौत मत मरो कि दोस्तों मैदान छोड़ के भाग गए थे कल को ये बोले, नहीं दोस्तों कल को लोग ये बोले कि मैदान में आखिरी दम तक लड़ते रहा, जब तक आपके सांसों में सांस था और दम में दम था तब तक हमने फौज की तैयारी की है। अब दोस्तों नौकरी हो चाहे ना हो तो किस्मत की बात है, अगर हम मेहनत भी ना करें तो ये गलत बात है। जय हिंद।